मेरा बहुत ही फन लविंग कैरेक्टर है। आई लव टू डांस, जो कि मेरा रियल पर्सनैलिटी भी ऐसा है कि कहीं म्यूज़िक बजने लग जाता है तो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। तो यही लड़की का भी केस होता है कि गांव में लोग उसको देखते हैं, कहते हैं ये कैसी लड़की है, उसके पेरेंट्स उसे परेशान हो जाते हैं कि ये नाचना ही नहीं रुकती कहीं पे भी। उसकी जब शादी भी हो जाती है लड़की की, तब भी वो बारात में नाच रही है और लोग फेंट हो रहे हैं उसको देख के कि ये लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। तो मज़ा आया बहुत ये शूट करके, क्योंकि इट इज़ वेरी मच अबाउट मी। जैसे मैं जितनी पागलपन लाइफ में करती हूँ वैसा ही फिल्म में भी। अभी मेरा एक आइटम सॉन्ग बचा है फिल्म में जो शूट करना है, तो बहुत आई एम वेटिंग, क्योंकि जो म्यूज़िक दिया है राज ने, इट्स लाइक अगर मैं यहाँ बजा दूँगी तो आई एम 100% श्योर आप लोग सब बस जंप करते रहोगे इधर से उधर। इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक। जितने टाइम भी हम लोग सेट पे रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। और वहाँ पे जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं कोल्हापुर में, इट्स वेरी वेरी हॉट, मतलब गर्मी में सब लोग बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा, मतलब खड़े नहीं हो सकते। पर जब हम लोग सेट पे आते हैं, जैसे मेरा एक डांस का सीक्वेंस था, मैं ट्रैक्टर पर डांस कर रही हूँ, ट्रैक्टर पर खड़े होकर, और ट्रैक्टर इतना गर्म है कि एक सेकंड में खड़े नहीं हो सकते, पैर जल जाएगा। पर एक बार जब म्यूज़िक प्ले होता है देन यू डोंट रियली रियलाइज। तो सेट पे, ऑफ सेट, जितने भी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन। फिल्म स्टोरी के कारण चलती है, और कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई आर्टिस्ट स्टार के कारण नहीं चलती है। तो स्टोरी इज़ एब्सोल्युटली वेरी रिलेटेबल। तो जो विलेजर्स हैं आजकल, हमारी जो इंडिया की 70% पॉपुलेशन अभी भी रूरल है, तो आई थिंक उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आई डोंट नो अबाउट द सिटीज़, क्योंकि सिटी लाइफ में ये सब इतना ज़्यादा नहीं है, बट आई एम एब्सोल्युटली श्योर विलेजेस में इट विल डू वेरी वेल।